अब युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने गंभीर सवाल उठाते हुए बड़ी बातें कही हैं कि कुछ लोग रूस की बर्बादी देखना चाहते हैं। फ्रांस कभी भी रूस की तबाही चाहने वालों का साथ नहीं देने वाला है, मैक्रों की तरफ से कहे गए ये बड़ी बातें। और क्या अब रूस पर फ्रांस की ये नरमी है? हालांकि इसको लेकर कई बड़े सवाल एनालिसिस जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच जान लीजिए कि आखिर युद्ध के इस हालात में दिया गया ये बयान मायने क्या रखता है, क्योंकि जिस तरीके से रुख अपनाया जा रहा है रूस के खिलाफ पश्चिम का, कई बड़े प्लान्स का खुलासा पहले भी हो चुका है। लेकिन अब बड़ी बात ये, फ्रांस कभी रूस की तबाही चाहने वालों का साथ नहीं देगा, यानी रूस का मुकाबला करना है ऐसी रणनीति अपनाते हुए कि रूस का पूरी तरीके से खात्मा ना हो लेकिन उसे अलग थलग कर दिया जाए। तो रूस पर फ्रांस की ये नरमी क्या संकेत दे रही है, क्योंकि रूस की हार पूरी तरीके से बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ये पहला बड़ा बयान इमैनुअल मैक्रों की तरफ से दिया गया। यूक्रेन को अपनी जमीन वापस जरूर मिलनी चाहिए जिस हक के लिए यूक्रेन लड़ रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसमें समर्थन हासिल है, अपनी जमीन उसे वापस मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग रूस को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। ये इशारा किस और कर रहे हैं मैक्रो, इस पर करेंगे चर्चा। हम रूस की तबाही चाहने वालों के साथ नहीं है, रूसी धरती पर किसी भी हमले के पक्ष में भी नहीं है, और शुरुआत से ही बातचीत के जरिए समाधान की बातें जरूर कही जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से सिन्हा साहब ये सैन्य मदद पहुंचाई जा रही है, मकसद क्या नजर आ रहा है? क्योंकि खुद ज़ेलेंस्की बातचीत के लिए राजी नहीं होते, वो जानते हैं रशिया अपनी टर्म्स और कंडीशंस रखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, मैक्रो इस बयान के आधार पर किस और इशारा कर रहा है, कौन चाहता है रूस की बर्बादी? ये मिस्टर मैक्रोन का जो वक्तव्य है इस बात का द्योतक है कि नाटो के अंदर डिवीजन हो रहा है। सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सबकी सोच एक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं वो रूस का कॉन्फिडेंस तो नहीं जीतना चाहते हैं, और नेगोशिएशन के लिए लीडरशिप रोल तो नहीं एक्वायर करना चाहते हैं, दूसरा एंगल ये है। तीसरा चीज़ ये है कि गैस की जो समस्या है, रूस को इस तरह से साउंड करके अपने जो गैस और एनर्जी के इंटरेस्ट है फ्रांस को, उसको तो सिक्योर नहीं कर रहे हैं, तीसरा बिंदु ये है। चौथा बिंदु ये है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका को भी स्ट्रेटजिक मैसेजिंग कर रहे हैं कि एनफ इज़ इनफ, अब भैया शांति की बात करो, ख़त्म करो ये कहानी, क्योंकि यदि ये लोग मिसाइल वगैरह ये नहीं, लेकिन सिन्हा साहब फ्रांस का तो शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है इस वॉर को लेकर। इमैनुअल मैक्रों ने सुमित जी कई बार पहल की कि वॉर खत्म हो, पीस टेबल पर रूस और यूक्रेन आए, उन्होंने कई बार मीडिया के सामने ये बात कही भी, तो क्या अब उनके बयान को एक नए तरीके से देखने की जरूरत है, या फिर जो उनकी पुरानी मंशा थी उसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं? मंशा तो वही है, लेकिन एक नया पहलू ये है कि वो उस समय ये कह रहे हैं जब नाटो मेंबर्स और यूएस रूस के विरुद्ध अति आक्रामक होने की प्रयास कर रहा है, तो ये महत्वपूर्ण पहलू है। जैसा सर बता रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कवायद फ्रांस के तरफ से किया जा रहा है कि कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत शुरू हो और इस युद्ध का, यानी कि एक बार फिर से फ्रांस इमैनुअल मैक्रों ये कोशिश करते नजर आ रहे ताकि ये युद्ध अपनी समाप्ति की तरफ बढ़े, ये कोशिश नजर आ रही है इन बयानों के जरिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।